Good morning, dear students. As yesterday we have discussed about the electronic structures of alcohols, phenols and ethers. So today we will start with the preparation method of alcohol. अब हम लोग वन बाय वन एल्कोहल, फिनॉल और ईथर को सेपरेटली पढ़ेंगे, ठीक है. सो एल्कोहल के प्रिपरेशन मेथड, देयर आर नंबर ऑफ प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ एल्कोहल इन विच वी विल स्टार्ट विद व्हाट वी नो, ठीक है. हम वहां से स्टार्ट करेंगे जो प्रिपरेशन मेथड हम पहले से जानते हैं, यानी लास्ट चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स, ठीक है. तो हेलो एल्केन से ही स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन मेथड. इफ यू हैव रिमेम्बर्ड, आई टोल्ड यू अबाउट द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ एल्काइल हैलाइड. जो हम लोग जब प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे, केमिकल प्रॉपर्टीज, सबसे पहली कैटेगरी हमने बनाई थी, दैट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इन विच द फर्स्ट रिएजेंट आई हैव टेकन इज आइदर सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और मॉइस्ट Ag2O. तो बेसिकली हमें क्या करना होता है, That what we are to prepare ROH, alcohol का preparation method देख रहे हैं. किससे बनाने की कोशिश कर रहे हैं, alkyl halide से. तो पहली property जो हम लोगों ने पढ़ी थी nucleophilic substitution, उसमें first reagent था हमारा, either we may take sodium hydroxide, उसकी जगह potassium hydroxide ले सकते थे, या फिर moist Ag2O से जब हम react कराते थे तो what happened, हमारा HX form हो जाता था और ROH बन जाता था, ठीक है. तो ये हमारा पहला मेथड है जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के रिगार्डिंग भी हम लोग बहुत कुछ पढ़ चुके हैं. इन विच वी हैव स्टडीड अबाउट टू टाइप ऑफ मैकेनिज्म, दैट इज SN1 एंड SN2, यानी यूनिमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड बायोमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. मैकेनिज्म दोनों की हम लोगों ने पढ़ी थी, जहां से हम लोगों ने क्या फाइनली इवेल्युएट किया था, दैट If you are taking the primary alkyl halide, ठीक है, तो primary alkyl halide से आपको substitute करना है halide को, तो उसके लिए हमें क्या लेना होगा, एक strong nucleophile चाहिए होगा. वो strong nucleophile हम क्या ले सकते हैं, एक strong base ले सकते हैं, ठीक है. That we have taken sodium hydroxide या potassium hydroxide हम लेते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, Br जो है वो डिस्प्लेस कर दिया जाता है OH के थ्रू, एंड वी आर गेटिंग इथाइल एल्कोहल. जितने कार्बन का हमने एल्काइल हैलाइड लिया है, उतना ही हमें उतने ही कार्बन का एल्कोहल हमें मिल जाता है, एंड वी आर गेटिंग KBr, एल्काइल हैलाइड एलिमिनेट, सॉरी पोटेशियम हैलाइड एलिमिनेट हो जाता है, या फिर हम कह सकते हैं NaBr अगर हमने NaOH लिया है तो, और AgBr अगर हमने Ag2O लिया हुआ है, यानी AgOH लिया हुआ है तो, ठीक है. नाउ व्हाट वी आर टू रिमेम्बर, हमें याद क्या करना है, SN2 और SN1 मैकेनिज्म में हमने क्या डिफरेंस देखा था, थोड़ा सा हम लोग रिवाइज करेंगे उसको. SN2 मैकेनिज्म क्या था, SN2 मैकेनिज्म का ऑर्डर हुआ करता था हमारा प्राइमरी ग्रेटर देन सेकेंडरी ग्रेटर देन टर्शियरी, यानी अगर मैंने एल्काइल हैलाइड प्राइमरी लिया है तो वो SN2 मैकेनिज्म के थ्रू होगा, और SN2 मैकेनिज्म अगर आप लोगों को याद हो तो वन स्टेप प्रोसेस था, वन स्टेप प्रोसेस जिसमें बैक अटैक होता था, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल का बैक अटैक होता था, एंड इट वाज गाइडेड बाय स्टेरिक हिंड्रेंस, ठीक है. इसलिए जो हमारा टर्शरी था उस इसके लिए इजी नहीं था SN2 मैकेनिज्म, प्राइमरी के लिए था, क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस होने की वजह से बैक अटैक नहीं हो पाता. इसमें मॉलिक्युलरिटी हमारी 2 थी, यानी रिएक्शन का रेट हमारे सबस्ट्रेट और अटैकिंग रिएजेंट दोनों पर डिपेंड करता था, यानी अटैकिंग रिएजेंट यहाँ पर क्या है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, दैट इज OH आयन, है ना, एंड सबस्ट्रेट क्या है, हमारा एल्काइल हैलाइड जो भी हमने लिया हुआ है प्राइमरी. तो यहाँ पर है SN2 मैकेनिज्म के थ्रू ये रिएक्शन होती है, ठीक है. दूसरा, अगर सपोज मैंने टर्शरी ले लिया, तो टर्शरी एल्काइल हैलाइड के केस में मुझे KOH एक्वस लेने की जरूरत ही नहीं है. क्यों जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर मैं KOH लेने की कोशिश करूंगी तो इट विल सपोर्ट एलिमिनेशन ओवर सब्स्टिट्यूशन. ये किसको सपोर्ट करेगा, एलिमिनेशन को सपोर्ट करेगा. क्यों, क्योंकि अगर मैं KOH ले रही हूँ SN2 मैकेनिज्म के थ्रू देखना चाह रही हूँ, तो SN2 मैकेनिज्म के थ्रू स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से रिएक्शन नहीं होगी, और उस केस में KOH एक बेस की तरह काम करने लगेगा न्यूक्लियोफाइल की जगह, और जब ये हैवी ग्रुप हो जाता है, बेस की तरह काम करने लगता है, तो एलिमिनेशन वुड बी देयर, एलिमिनेशन हो जाएगा. दैट्स व्हाई यहां पर अगर हम सीधे सीधे वाटर ही ले लें, so that would be quite enough
फॉर द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और उस केस में मैकेनिज्म हमारी कौन सी काम करेगी, SN1, क्योंकि इसमें हमने ऑर्डर क्या पढ़ा था, टर्शरी ग्रेटर देन सेकेंडरी ग्रेटर देन प्राइमरी। व्हाई इट इज सो, उसका रीजन है, उसका रीजन ये है क्योंकि ये टू स्टेप्स में रिएक्शन होती है। पहले स्टेप में जो हमारा एल्काइल यहां पर क्या हो जाता है, हाइड्रोलिसिस टेक्स प्लेस और ये एक कार्बोकैटायन फॉर्म होगा। हमें मालूम है तो टर्शरी का कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होता है सेकेंडरी से देन प्राइमरी से। तो इस केस में हमारा क्या होगा, SN1 मैकेनिज्म को फॉलो करते हुए पहले ये हाइड्रोलिसिस होगा। हाइड्रोलिसिस क्यों होगा, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एजाइन। वाटर का काम क्या है, वाटर का काम है इस बॉन्ड को तोड़ना, ठीक है। तो वाटर इस बॉन्ड को तोड़ेगा, VRIN बनेगा, कार्बोकैटायन फॉर्म हो जाएगा और SN1 मैकेनिज्म के थ्रू हमारा प्रोडक्ट यहाँ पे टर्शरी एल्कोहल फॉर्म हो जाएगा। 2 डिग्री के केस में डिपेंड करता है कि हम क्या ले रहे हैं, वहां पे एलिमिनेशन भी हो सकता है और सब्स्टिट्यूशन भी वहां पर हो सकता है क्योंकि सेकेंडरी हमेशा जो है वो मिडिल में आ रहा है, तो दोनों में से कुछ भी हो सकता है। दैट डिपेंड्स कि हमारा जो अटैकिंग रिएजेंट है वो कैसा है। सो लाइक दिस सिंपल सी रिएक्शन है, लेकिन एक बार मैंने SN2 और SN1 को रिवाइज कराया आपको, हम वहां पर मेंशन करते थे SN1 के लिए प्रोटिक हमारा सॉल्वेंट जरूरी होता था। क्यों, क्योंकि कार्बोकैटायन बनेगा, कार्बोकैटायन बनने के लिए ये बॉन्ड टूटना जरूरी है, जबकि इस केस में बॉन्ड नहीं टूटता, एक ही साथ दोनों प्रोसेसेस होती हैं, पुराना बॉन्ड टूटता है यानी ये दोनों का बॉन्ड टूटता है और नया बॉन्ड बनता है बैक अटैक के थ्रू। यहाँ पर रेसिमाइजेशन हमें देखने के लिए मिलता है, ठीक है, सॉरी इसमें इन्वर्जन हमें देखने के लिए मिलता है इसमें, जबकि रेसिनिक मिक्सचर बनता है, बैक और फ्रंट दोनों अटैक पॉसिबल होते हैं। सो हियर आई हैव रिटन 1 पॉइंट, टर्शरी एल्काइल हैलाइड अंडरगो एलिमिनेशन ओवर सब्स्टिट्यूशन विद KOH एक्वस। अगर मैं इस केस में KOH या NaOH ले लूं तो वहां पर एलिमिनेशन होने लगेगा और एल्कीन बन जाएगा इन प्लेस ऑफ एल्कोहल, ठीक है। तो इस केस में वॉटर इज क्वाइट एनफ। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट मेथड, ये तो हम जानते थे, इसको रिवाइज किया हमने। सेकेंड हमारा फ्रॉम एल्कीन, ये भी हम जानते हैं, हमने क्लास 11th में पढ़ा हुआ है बट इसको एलेबोरेटिव फॉर्म में पढ़ेंगे। तो एल्कीन से हमारे पास दो तरीके के मेथड्स होते हैं, एक तो होता है बाय एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रोलिसिस और दूसरा हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन प्रोसेस। इस केस में हमारी डायरेक्ट हाइड्रेशन होती है और उस केस में इनडायरेक्ट हाइड्रेशन होती है। लेट्स सी, बाय एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रोलिसिस हम कह सकते हैं, या इसको हम हाइड्रेशन प्रोसेस कह सकते हैं, हाइड्रेशन प्रोसेस ऑफ एल्कीन। तो सपोज मैंने यहाँ पे एक सिमेट्रिक एल्कीन ले रखा है, यानी इथीन लिया है जो रिएक्शन हमने पढ़ी थी। व्हाट वी हैव टू टेक, वी हैव टू टेक द प्रेजेंस ऑफ एजाइन, यानी मुझे यहाँ एसिड की प्रेजेंस लेनी है, H2SO4 सपोज मैंने यहाँ लिया हुआ है। तो यहाँ पर कौन सा रूल फॉलो होगा, मार्कोनिक ऑफ रूल फॉलो होगा, ठीक है। लेकिन सिमेट्रिक है तो मार्कोनिक ऑफ रूल का कोई मतलब नहीं है, एक साइड मुझे पॉजिटिव चार्ज भेजना है, एक साइड नेगेटिवली चार्ज पार्ट भेजना है। तो अगर H यहाँ पे चला गया तो OH यहाँ पे चला जाएगा, CH3CH2OH, और चाहे H इधर आ जाए और OH इधर आ जाए, दोनों ही कंडीशन में हमारा क्या बन रहा है, एथाइल अल्कोहल फॉर्म हो रहा है। सो सिमेट्रिक के केस में देयर इज नो इशू जब हम हाइड्रेशन कराते हैं। हाइड्रेशन का मतलब वाटर का जुड़ना, ठीक है, वाटर का जुड़ना, तो एक पर H चला जाएगा दूसरे पर OH। क्यों, क्योंकि हमारा ये डबल बॉन्ड जो है लूजली बाउंड है और जैसे ही HIN का अटैक होता है तो हाइड्रेशन यहाँ पर क्या हो जाता है, एडिशन रिएक्शंस विल बी टेकन प्लेस। नाउ लेट्स सी, अगर मैं एक एसिमेट्रिक एल्कीन ले लू, अगर मैं एक एसिमेट्रिक एल्कीन लेती हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे प्रोपीन का केस लिया हुआ है, तब यहाँ हाइड्रेशन में क्या होगा, यहाँ पे हम फॉलो करेंगे मार्कोनिक ऑफ रूल को। मार्कोनिक ऑफ रूल को रिवाइज कीजिए, मार्कोनिक ऑफ रूल हमारा ये कहता है दैट जब कोई एसिमेट्रिक अटैकिंग रिएजेंट जब एक एसिमेट्रिक एल्कीन पर अटैक करता है तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट ऑफ द अटैकिंग रिएजेंट मूव टुवर्ड्स दैट कार्बन एटम विच इज हैविंग लेस नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, ठीक है। यानी इसमें से OH कहां पर अटैक करेगा, उस कार्बन पे जाएगा जहां पर हाइड्रोजन, जिस कार्बन पे हाइड्रोजन के नंबर कम होते हैं। यहाँ पे दो हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक है, तो OH कहां पर जाएगा, इस वाले कार्बन पे जाएगा और H इस वाले कार्बन पे जाएगा और इस तरीके से एडिशन रिएक्शन हो जाएगी। नाउ वी आर टू सी द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन, इंपॉर्टेंट है ये मैकेनिज्म, एग्जाम में पूछी जाती है, आपके सिलेबस में है।
सो सी द रिएक्शन एंड इट्स मैकेनिज्म, कि ये मैकेनिज्म क्या है। थ्री स्टेप्स में बेसिकली ये रिएक्शन होती है। जो हमारा पहला स्टेप है यानी हम एसिड कैटलाइज कर रहे हैं, यानी कैटलिसिस का काम किसका है इसमें, कैटलाइज कौन कर रहा है रिएक्शन को, एसिड कर रहा है। तो एसिड क्या करता है, हमारा एच आयन देता है, हमें पता है इट गिव्स एच आयन। और जहां पर एच आयन आ गया ये हमें कैसा दिखाई दे रहा है, इलेक्ट्रोफाइल दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो हमने यहाँ स्टेप का नाम भी क्या लिखा, इलेक्ट्रोफिलिक अटैक बाय हाइड्रोनियम आयन। तो सबसे पहले जहां पर भी वॉटर को एच आयन मिल जाते हैं वहां पर क्या होता है, क्योंकि वाटर में ओ के पास क्या है, टू लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो ये एक न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहा है और ये एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम कर रहा है, ठीक है। यानी इस पे डेफिशिएंसी है इलेक्ट्रॉन की और यहां पर एक्सेस दिखाई दे रही है। तो ये वाटर अपने लोन पेयर को किसको डोनेट कर देता है, एच आयन को डोनेट कर देता है, और हमारे क्या बन जाता है, हाइड्रोनियम आयन फॉर्म हो जाता है। इसको क्या कहते हैं, दैट इज हाइड्रोनियम आयन। इसीलिए हमने स्टेप का नाम क्या लिखा, इलेक्ट्रोफिलिक अटैक बाय हाइड्रोनियम आयन। तो सबसे पहले हमें क्या बनाना है, हाइड्रोनियम आयन बनाना है। अगेन देख लीजिए, वी गेट एच आयन फ्रॉम एसिड, और ये एच आयन डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से वाटर से ओ से उसके इलेक्ट्रॉन्स को ले लेता है, यानी ओ जो है उसको प्रोवाइड कर देता है अपना लोन पेयर, और ओ पर कैसा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, एंड वी आर गेटिंग हाइड्रोनियम आयन H3O पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब ये हाइड्रोनियम आयन कैसा हो गया, दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर, ठीक है। इसको इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, क्यों, क्योंकि यहां पर पॉजिटिव चार्ज दिखाई दे रहा है, किस पर दिखाई दे रहा है, ओ पर, जो कि हमें पता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है नेचर में, इसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करने की होती है, और इस पर नेगेटिव चार्ज की जगह यहाँ पॉजिटिव चार्ज हमें दिखाई दे रहा है। तो ये क्या कोशिश करेगा, ये फ्री होने की कोशिश करेगा और किसी ऐसे की तलाश करेगा जिस पर इलेक्ट्रॉन्स की एक्सेस हो। सो वी आर हैविंग प्रोटीन हियर, ठीक है। हमारे पास एक ऐसा ग्रुप है जिस पर लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स है। यहां पर हमें क्या दिखाई दे रहा है, हमें डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है, तो ये लूजली बाउंड होता है, डबल बॉन्ड आपको पता ही है, ठीक है, साइड वाइज ओवरलैपिंग से बनता है। तो यहां पर अभी ये क्या करेगा, ये जो कि अनस्टेबल होता जा रहा है क्योंकि ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो स्टेबल होने की कोशिश करेगा। ये जैसे ही इस एच को, जैसे ही इस एच को क्या मिलेंगे, यहां पर इलेक्ट्रॉन्स दिखाई देंगे, वैसे ही ओ उससे अपने इलेक्ट्रॉन्स को ले लेगा वापस, ठीक है। और एच कहां पर शिफ्ट हो जाएगा, इस डबल बॉन्ड से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको ले लेगा, ठीक है। और एच हमारा, दो पॉसिबिलिटी हैं हमारे पास, या तो इस कार्बन पर शिफ्ट होगा या फिर इस कार्बन पर शिफ्ट होगा। लेट्स सी हियर, अगर मैंने एच को इस कार्बन पर शिफ्ट किया, ठीक है, तो इसने अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया है, यानी इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और अगर एच को हम यहां पर शिफ्ट करते हैं, अगर हम एच को यहां पर शिफ्ट करते हैं तो इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट किया, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो ये दो पॉसिबिलिटी हैं यहां पर जो मैंने आपको दिखाई हैं। एक पॉसिबिलिटी में 2 डिग्री कैटायन बन रहा है, दूसरी पॉसिबिलिटी में 1 डिग्री कैटायन बन रहा है। तो बेसिकली हमें फर्स्ट स्टेप में हाइड्रोनियम आयन का इलेक्ट्रोफिलिक अटैक दिखाना है, किस पर, एल्कीन पर, ठीक है। और हमें मोर स्टेबल कार्बो कैटायन फॉर्म करना है, और हमें पता है मोर स्टेबल कार्बो कैटायन का ऑर्डर क्या होता है, 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री। सो यहां पर 2 डिग्री वुड बी मोर स्टेबल, दैट वुड बी मोर एप्रोप्रिएट कंडीशन। ये मैंने आपको दिखा दी, ऐसा नहीं होगा, ये 2 डिग्री पर अटैक करेगा और हमारे पास ये कार्बो कैटायन फॉर्म हो जाएगा। नाउ वी आर हैविंग दिस कार्बो कैटायन। अब इस कार्बो कैटायन को किसकी तलाश होगी, क्योंकि इसमें पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, तो ये इलेक्ट्रॉन को ढूंढेगा। नाउ व्हाट वी आर हैविंग, हमारे पास पहले से ही वाटर है रिएक्शन में, ठीक है, वाटर है जिसमें ओ के पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। तो ये किसकी तरह काम करेगा, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा और ये एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम कर रहा है। सो हमने स्टेप का नाम क्या रखा, न्यूक्लियोफिलिक अटैक बाय वाटर ऑन कार्बो कैटायन। हम यहां पर और लिख सकते हैं ऑन कार्बो कैटायन। तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहा है और इस पर अटैक करेगा किस तरीके से, ये अपने लोन पेयर को यहां पर जो डेफिशिएंसी इलेक्ट्रॉन की इनको डोनेट कर देगा और यहां से जुड़ जाएगा। नाउ इसने अपना लोन पेयर डोनेट किया, इसलिए इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। व्हाट वी आर सीइंग हियर, इसको हम क्या कहते हैं, प्रोटोनेटेड एल्कोहल। देखिए
अगर मैं यहाँ से एक एच को हटा दूं तो ये अल्कोहल बन जाता है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, लेकिन एक एच इस पे है, एच यानी प्रोटोन, तो इसका नाम क्या है हमारा, प्रोटोनेटेड अल्कोहल, प्रोटोनेटेड अल्कोहल। सो इस ओ से आप यहां पर जोड़ देंगे इसको H2O। अब ओ ने क्योंकि अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, अगेन ये इसकी कह सकते हो आप शान के खिलाफ है, क्योंकि ओ कैसा होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इसे नेगेटिव चार्ज पसंद होता है, लेकिन इस पे पॉजिटिव आ रहा है तो अब ये क्या करेगा, इससे रिलीज होना चाहेगा, रिलीज होने के लिए क्या करेगा, लेट सी डी प्रोटोनेशन, ये क्या करेगा, डी प्रोटोनेशन करेगा, कैसे करेगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को एक एच से, किसी भी एक एच से, दोनों में से कोई से भी एक एच से अपने इलेक्ट्रॉन्स को वापस ले लेगा, ठीक है, और कब लेगा, जबकि इस एच आयन को क्या दिखाई दे रहा होगा, वाटर दिखाई दे रहा होगा, और इस वाटर से मिलकर फिर से हाइड्रोनियम आयन बनाएंगे और रिएक्शन को फिर से नेक्स्ट स्टेप में ले जाने के लिए, या फिर कह सकते हो पहला स्टेप फिर से तैयार हो जाएगा, ठीक है। सो इसने डी प्रोटोनेशन किया, एच से अपने इलेक्ट्रॉन्स ले लिए और खुद क्या बन गया, एल्कोहल बन गया, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल बन गया, एंड हाइड्रोनियम आयन वुड बी फॉर्म, जो फर्दर रिएक्शन को रीस्टार्ट करने में, यानी इस स्टेप को, फर्स्ट स्टेप को दोबारा से स्टार्ट करने में काम में आएगा। सो दैट इज द मैकेनिज्म ऑफ हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, दैट इज एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। सो ये दो रिएक्शंस पे आपको ध्यान देना है, दोनों रिएक्शन हम लोगों ने क्लास 11 में पढ़ रखी है, मार्कोनिक ऑफ रूल को फॉलो करना है, जस्ट आपसे एग्जाम में ये 2 or 3 मार्क्स में मैकेनिज्म पूछ ली जाती है, तो आपको इस पर ध्यान देना है, बार बार इसकी प्रैक्टिस करेंगे, थोड़ा सा ध्यान से करेंगे तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, पहले हाइड्रोनियम आयन बनाना है, जैसी हाइड्रोनियम आयन बनेगा आपको उसको अटैक करा देना है एल्कीन पर, ठीक है, एल्कीन पर अटैक करा के कार्बोकैटायन बनाना है, मोर स्टेबल कार्बोकैटायन बनाना है, फिर आपको न्यूक्लियोफिलिक अटैक कराना है, क्यों, क्योंकि इस पॉजिटिव चार्ज को खत्म करना है, जिससे आप प्रोटोनेटेड अल्कोहल बनाएंगे, और फाइनली द थर्ड स्टेप इज द डी प्रोटोनेशन, यानी एच को हटा के फिर से हाइड्रोनियम आयन फॉर्म कर देंगे। सो दैट यू आर टू रिमेम्बर, इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है, और इससे आगे हम नेक्स्ट डेली डिस्कस करेंगे। थैंक यू।